अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 फोर्स एंड मोशन। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं टेंशन। बेटा टेंशन होती क्या चीज़ है? टेंशन एक रिएक्शन फोर्स है। टेंशन क्या चीज़ होती है बेटे? इट इज़ अ रिएक्शन फोर्स। जस्ट आपने ये बात याद रखनी है, जब भी आपसे पूछते हैं व्हाट इज टेंशन, इट इज़ अ रिएक्शन फोर्स। जनरेट क्यों होती है? रिएक्शन कब होता है? जब कोई एक्शन परफॉर्म किया जाए। बेटे इट इज जनरेटेड इन अ स्प्रिंग व्हेन अ लॉड इज अटैच्ड टू इट। ये किस में जनरेट होती है? स्ट्रिंग सिर्फ और टेंशन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग में होगी। और स्ट्रिंग में टेंशन कब होगी? जब उस स्ट्रिंग के साथ क्या अटैच किया हुआ होगा बेटा? लॉड अटैच किया हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल वर्ड, मेरे पास ये एक सीलिंग है, एक रूफ है। इस रूफ के साथ मैंने क्या अटैच कर दिया बेटा? एक थ्रेड को अटैच कर दिया, एक स्ट्रिंग को, एक धागे को, एक रस्सी को अटैच कर दिया। इस रस्सी के साथ बेटा मैंने एक कोई भी वेट अटैच कर दिया। आप जानते हैं अगर आपने कोई भी बॉडी अटैच की है, उसका वेट कहाँ एक्ट करता है? डाउनवर्ड एक्ट करता है। क्या बॉडी नीचे जा रही है? इस वक्त बॉडी नीचे नहीं जा रही। इसका मतलब इसके वेट को एक फोर्स ने बैलेंस किया हुआ है। वो फोर्स कौन सी है? वो स्ट्रिंग की फोर्स है। और बेटे जो स्ट्रिंग के अंदर फोर्स जनरेट हुई है उसे हम क्या कहते हैं? टेंशन। इस केस में चूंकि मोशन नहीं हो रही है, इसलिए वेट और टेंशन दोनों क्या हैं? एक दूसरे के बराबर हैं। क्लियर हो गया बेटे? बेटा टेंशन की और एग्जांपल्स भी होती हैं। आप जो है एक काइट उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। पतंग जब आप उड़ा रहे हैं, पतंग बहुत ज़्यादा दूर है, थ्रेड से वो अटैच्ड है, तो बेटा आपकी फिंगर्स के ऊपर वो जो थ्रेड है उसका जो है सर्टेन वो थ्रेड फोर्स लगाएगी। वो जो थ्रेड आपकी फिंगर पर फोर्स लगा रही है वो किसकी वजह से? वो स्ट्रिंग की फोर्स है। एंड डेट फोर्स इज कॉल्ड टेंशन। क्लियर हो गया बेटा? टेंशन क्या होती है? एक रिएक्शन फोर्स है। क्यों जनरेट होगी? जनरेट होगी स्ट्रिंग में। किस वजह से? जब भी उस स्ट्रिंग के साथ क्या अटैच किया जाएगा? लोड अटैच किया जाएगा। अब स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ एक नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं मोशन ऑफ बॉडीज अटैच्ड विद द स्ट्रिंग। आपने स्ट्रिंग के साथ बॉडीज अटैच कर देनी है और उस स्ट्रिंग को एक पुल्ली के ऊपर से गुजारना है और उसकी डेरिवेशन आपने करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। मोशन ऑफ बॉडीज अटैच्ड टू स्ट्रिंग। आपने दो बॉडीज ली हैं जो कि स्ट्रिंग से अटैच है। आपने डेरिवेशन करनी है। सबसे पहले क्या करना है? कुछ कंसिडर करना है, कुछ सपोज करना है। तो आपने दो बॉडीज सपोज कर ली है। एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी बी है। ऑफ मासेज m1 एंड m2। जो पहली बॉडी है उसका मास m1 है, जो दूसरी बॉडी है उसका मास m2 है। इन बॉडीज को क्या किया यार? अटैच टू अ स्ट्रिंग। इन बॉडीज को स्ट्रिंग के साथ क्या कर दिया बेटा? अटैच कर दिया। सच डेट ऐसे अटैच किया है कि बोथ बॉडीज आर वर्टिकली अटैच्ड। आपने इस तरह अटैच किया स्ट्रिंग के साथ कि दोनों बॉडीज वर्टिकली अटैच्ड हैं, वर्टिकली अटैच्ड हैं बेटा। किसके? और अटैच टू अ स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग से वर्टिकली अटैच है। विच पासिस ओवर अ पुल्ली, जो पुल्ली से पास हो रही है। अब इसको हम डायग्राम में शो करते हैं बेटा। हमारे पास ये एक पुल्ली आ गई। इस पुल्ली के ऊपर से बेटा मैंने एक स्ट्रिंग पास कर दी। इस पुल्ली के ऊपर से क्या पास कर दी बेटे? एक स्ट्रिंग पास कर दी बेटा। ये इस तरीके से एक ही स्ट्रिंग को मैंने पुल्ली के ऊपर से इस तरह पास कर दिया। पुल्ली क्या होती है बेटा? जो मूवेबल होती है उसमें सर्टेन ग्रूव होते हैं। उस ग्रूव, उस खाली जगह, व्हील की खाली जगह से क्या पास होती है बेटा? स्ट्रिंग पास होती है। इस स्ट्रिंग के साथ बेटा मैंने क्या अटैच कर दिया बेटे? इस स्ट्रिंग के साथ मैंने दो मासेज अटैच कर दिए बेटा। एक मास को मैंने क्या नाम दे दिया? लेट सपोज दिस इज मास m1 बेटा। m1 मास किसका था? बॉडी ए का था। एंड बेटा दिस इज मास m2। m2 किसका मास है बेटा? बॉडी बी का मास। मैंने इन दोनों मासेस को अटैच कर दिया पुल्ली के साथ। अब जैसे ही मैं इसे अटैच करता हूं और मैं इसको इस तरीके से छोड़ दूंगा तो क्या होगा? मोशन स्टार्ट हो जाएगी। मूव बॉडी किस तरीके से मूव करेगी बेटा? जो बॉडी भारी होगी वो डाउनवर्ड मूव करेगी और जो बॉडी हल्की होगी वो क्या करेगी बेटा? लेट मैंने ऐसे इसको अटैच किया, जैसे ही मैंने इसको छोड़ा ये किस तरीके से मूव करेगी? इस तरीके से मूव कर जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉडी ए मुझे भारी लग रही है। जो बॉडी भारी होगी वो डाउनवर्ड मूव करेगी और जो बॉडी हल्की होगी वो अपवर्ड मूव करेगी बेटा। अगर ये मूव करेगी तो पहले रुकी हुई थी, यानी इसमें इन बॉडीज के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा?
एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, सेम एक्सेलरेशन से बॉडी है डाउनवर्ड मूव करेगी, बॉडी भी अपवर्ड मूव करेगी। बेटा किसके साथ अटैच्ड है बॉडी? स्ट्रिंग के साथ। और जब भी कोई बॉडी आपने स्ट्रिंग से अटैच की है, आपने क्या पढ़ा है, उस स्ट्रिंग में क्या जनरेट होगा, उस स्ट्रिंग में टेंशन जनरेट होगी। तो बेटा इस बात को भी हम यहाँ पर लिखते हैं, इस डायग्राम को भी हम चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि मोशन होगी तो बॉडी ये डाउनवर्ड चली जाएगी, बॉडी भी अपवर्ड चली जाएगी। सपोज कर लेते हैं हम कि एम वन इज ग्रेटर देन एम टू। अगर M1 greater than M2 है, यानी एक बॉडी का मास ज्यादा है तो ही मोशन होगी, अगर दोनों बॉडीज का मासेस बराबर हैं तो ये एग्जैक्टली बैलेंस्ड रहेगा, मोशन नहीं होगी। सपोज M1 इज ग्रेटर देन M2, तो बेटा फिर क्या होगा, बॉडी A, तो बॉडी A क्या करेगी, मूव्स डाउनवर्ड मूव करेगी एक्सेलरेशन A के साथ। किस तरह? डाउनवर्ड। एंड बॉडी B, और जो बॉडी B होगी बेटे वो भी क्या करेगी, वो भी मूव करेगी। बॉडी B मूव्स अपवर्ड, बॉडी भी मूव करेगी अपवर्ड। किस एक्सेलरेशन से? सेम एक्सेलरेशन से। क्यों? क्योंकि एक इस तरह अटैच है, दूसरी इस तरह। अगर एक डाउनवर्ड मूव करी है, दूसरी अपवर्ड, एक ही स्ट्रिंग से अटैच है, एक ही एक्सेलरेशन। मूव्स अपवर्ड विद सेम एक्सेलरेशन, विद सेम एक्सेलरेशन ए। तो बेटा और उसके अलावा आप जानते हैं टेंशन किस में प्रोड्यूस होगी, स्ट्रिंग में। एंड There is tension T in string. बेटे string की tension, string के अंदर क्या produce होगी, एक tension T produce हो जाएगी। मैं इस diagram को अब change कर दूँ, क्योंकि मैंने लिखा है कि M1 greater than M2 है। अगर M1 greater than M2 है तो बेटे ये क्या हो जाएगी diagram, ये diagram यहाँ पर change हो जाएगी। बेटे ये आ गया हमारे पास body B जिसका मास M2 है, ये बॉडी A जिसका मास क्या है, M1 है। बेटा जब ये मूव कर रही है तो अपवर्ड मूव कर रही है बॉडी A, किस एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन A के साथ। और बॉडी B डाउनवर्ड मूव कर रही है, बॉडी A डाउनवर्ड मूव कर रही है, बॉडी B अपवर्ड, किस एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन A के साथ। बेटा स्ट्रिंग में क्या प्रोड्यूस हुई है, आप जानते हैं कि इस बॉडी का वेट कहाँ पर है, डाउनवर्ड है। बेटे अगर ये बॉडी B है, इसके मास को M2 का है, तो इसके वेट को क्या कहना चाहिए, W2। अगर ये बॉडी A है, इसके मास को M1 का है, तो इसके वेट को क्या कहना चाहिए बेटा, W1 कहना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ तक के? बेटे अब हमने डेराइव करनी है इक्वेशंस किसके लिए, इस एक्सेलरेशन के लिए और जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन प्रोड्यूस हुई है। तो बेटे वेट डाउनवर्ड है तो स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन जनरेट हुई होगी, उस टेंशन क्या होगी, अपवर्ड। बेटा W1 है, T1, मैं टेंशन को T1 और इस जगह पर T2 रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, मैं इसको सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करूंगा, T से रिप्रेजेंट करूंगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग तो एक ही है ना, तो उसमें टेंशन भी क्या होगी, एक ही होगी, इसीलिए T1 T2 कहने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन को भी A1 A2 कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों बॉडीज एक ही स्ट्रिंग से अटैच्ड है। एक बॉडी जितनी स्पीड से नीचे जाएगी, जितनी एक्सेलरेशन से नीचे जाएगी, दूसरी बॉडी उतनी एक्सेलरेशन से क्या होगी बेटे, अपवर्ड मूव करेगी। तो बेटे अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हमें एक्सेलरेशन और टेंशन की इक्वेशंस डिराइव करनी है। बेटा हम इक्वेशंस किस तरह डिराइव कर सकते हैं, हम फार्मूले किस तरह बना सकते हैं, हमें अनबैलेंस फोर्स का फार्मूला लगाना होगा। अब अनबैलेंस फोर्स क्या है, इसको देखते हैं बेटा। अनबैलेंस फोर्स इन बॉडी ए, बॉडी ए में अनबैलेंस फोर्स कितनी है बेटे, बेटे आप देखते हैं, ये रही बॉडी ए, बॉडी ए पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं, दो फोर्सेस। कौन कौन सी दो फोर्सेस, एक वेट की, दूसरी टेंशन की। बेटा कौन सी फोर्स ज़्यादा है, लेट सपोज मेरे पास अगर यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है इस तरीके से, और इस ऑब्जेक्ट को दो जगह से खींचा जा रहा है, इस तरफ से भी खींचा जा रहा है और इस तरफ से भी खींचा जा रहा है, दोनों साइड से खींचा जा रहा है, अगर तो ये ऑब्जेक्ट इतना मजबूत है, ये टूटेगा नहीं, फटेगा नहीं, तो फिर ये क्या होगा, किसकी तरफ जाएगा, जिस तरफ फोर्स ज़्यादा होगी। अगर इस हाथ की तरफ फोर्स ज़्यादा है तो ये ऑब्जेक्ट इस तरफ चला जाएगा, और अगर इस तरफ फोर्स ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। बेटा इसका मतलब है जब भी दो अनइक्वल फोर्सेज हों तो वो अनबैलेंस फोर्सेज कहलाती हैं, और जब भी अनबैलेंस फोर्सेज हों तो बेटा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एफ किसके बराबर होता है, एम ए के बराबर होता है। अब इस चीज़ को दोबारा देखते हैं, इस जगह पर अनबैलेंस फोर्स, बेटा अनबैलेंस फोर्स को हम जाहिर करते हैं एफ नेट से, एफ अनबैलेंस से। अनबैलेंस फोर्स इस केस में बराबर किसके है बेटा,
इस केस में फोर्सेस कितनी लग रही हैं? दो, एक W और दूसरा T। तो बेटा कौन सी फोर्स ज्यादा है, W1 ज्यादा है या T ज्यादा है? आप देखें एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, इसका मतलब वेट ज्यादा है। तो बेटा मैंने क्या लिखा, W1 माइनस T। बॉडी B के लिए W1 ज्यादा है, T कम है, दोनों को माइनस करूंगा तो बेटा मेरे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। बिल्कुल इस तरह, लेट सपोज मेरे पास ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे इस तरफ एक फोर्स लग रही है 20 न्यूटन की, बेटा इस तरफ एक फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की। तो बेटा नतीजा क्या होगा, इसकी 20 न्यूटन की फोर्स, इसकी 10 न्यूटन की फोर्स, बॉडी किस तरफ जाएगी, इस तरफ मूव करेगी। लेकिन क्या 20 न्यूटन की फोर्स से मूव करेगी? नहीं, 10 तो बैलेंस हो जाएगा, इसका 10 इसके 10 को बैलेंस कर देगा, बाकी 10 बचेगा। तो आप इस तरह बता सकते हैं। आपने कैसे निकाली ये चीज़, आपने डिफरेंस लिया, ज़्यादा फोर्स माइनस कम फोर्स। जब भी अनबैलेंस फोर्स निकालनी हो आप क्या करते हैं बेटा, डिफरेंस लेते हैं, ज़्यादा फोर्स माइनस कम फोर्स। इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी किया, ज़्यादा फोर्स माइनस कम फोर्स किसके बराबर हो गई, अनबैलेंस फोर्स के बराबर हो गई। बेटा जब भी कोई फोर्स बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, जैसा कि ये इन दोनों का डिफरेंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो किसके बराबर होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एफ किसके बराबर होता है बेटा, एम ए के। हम कौन सी बॉडी के पास मौजूद हैं, बॉडी ए के पास मौजूद हैं। बेटा बॉडी ए के मास को हमने किससे ज़ाहिर किया हुआ, एम वन। क्या बॉडी एक एक्सेलरेशन को A1 से ज़ाहिर किया है? नहीं, तो A ही रहेगा, M1A बराबर हो जाएगा। बेटा वेट का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं वेट किसके बराबर होता है, W इज इक्वल टू mg। तो W1 की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा, mg। बेटा W1 बॉडी B के लिए, बॉडी A के लिए, बॉडी A के मास को M1, तो M1g माइनस T के बराबर हो जाएगा। बेटा दिस इज इक्वेशन नंबर वन। सिमिलरली अनबैलेंस फोर्स हम अप्लाई, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक A और एक T, दो वेरिएबल्स हैं, तो हमें क्या चाहिए बेटा, एक ए और एक टी, हमें दो इक्वेशंस चाहिए। दूसरी इक्वेशन हम कहाँ से बनाएंगे, इस जगह से बनाएंगे। तो बेटा हम इस जगह पर लिखते हैं अनबैलेंस फोर्स ऑन बॉडी बी, पर अनबैलेंस फोर्स निकालनी है। किस तरह निकाल सकते हैं, सिमिलरली मैं जानता हूँ एफ नेट बराबर होता है ज़्यादा फोर्स माइनस कम फोर्स। बॉडी बी के पास जाते हैं, बॉडी बी ये रही, बेटा एक फोर्स लग रही है डब्ल्यू टू, दूसरी फोर्स लग रही है टेंशन की, बॉडी मूव कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, किस डायरेक्शन में, ऊपर वाली। बेटा जिस फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, जिस फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, वो फोर्स ज़्यादा है। इधर बॉडी ऊपर मूव कर रही है, यानी टेंशन ज़्यादा है। तो बेटा ज़्यादा फोर्स माइनस कम फोर्स, ज़्यादा फोर्स टी है, कम फोर्स कौन सी है बेटा, डब्ल्यू टू। एफ नेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एम ए के बराबर होता है। हम बॉडी बी के पास हैं, बॉडी बी के मास को एम टू से ज़ाहिर किया है। बेटा टी, टी एज इट इज रहेगा, माइनस डब्ल्यू टू, डब्ल्यू टू बेटा W फार्मूला होता है एम जी के बराबर। W2 किसका वेट है बेटा, सेकेंड बॉडी के, सेकेंड बॉडी के मास को M2 से जाहिर किया है। दिस इज इक्वेशन नंबर टू। बेटा हमने दो इक्वेशंस बना ली हैं, इन दो इक्वेशंस को मैथ्स के जरिए हम इनको सॉल्व करेंगे और हम T और A की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बेटा आप इसको आगे नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं। अगर मैं एक्सेलरेशन मालूम करना चाहता हूँ तो बेटा एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए मुझे देख रहे हैं यहाँ पे एम वन ए है इक्वेशन वन में और इधर एम टू ए है, मुझे ए की वैल्यू मालूम करनी है। अगर मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम करनी है तो उस इक्वेशन के अंदर उस फॉर्मूले में टी नहीं आना चाहिए। तो बेटा यहाँ पर टी माइनस हो रहा है, यहाँ पर टी क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया जाए, एड कर दिया जाए, टी खत्म हो जाएगा, ए की वैल्यू बन जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी मेरे पास। तो इसी तरीके से हम करते हैं कि इधर माइनस है इधर प्लस है, तो इक्वेशन को क्या करें, ऐड करें। तो हमने इस जगह पे छोटी सी हेडिंग डाल दी, फॉर एक्सेलरेशन ए, यानी हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ए के लिए सॉल्व कर रहे हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को क्या कर दिया जाए बेटा, ऐड कर दिया जाए। बेटा लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगी, राइट साइड राइट में ऐड होगी। तो बेटा इसकी लेफ्ट साइड क्या है, इक्वेशन वन की लेफ्ट साइड क्या है, एम वन ए, प्लस करना है, किसको प्लस करना है, इक्वेशन टू की लेफ्ट साइड को, वो क्या है बेटा, एम टू ए, इक्वल डाल देंगे। इक्वेशन वन की राइट साइड इक्वेशन टू की राइट साइड में जमा होगी। इक्वेशन वन की राइट साइड क्या है बेटा, एम वन जी माइनस टी, इस साइड में प्लस करना है बेटा किसकी, इक्वेशन टू की राइट साइड को, और वो क्या है बेटा, टी माइनस एम टू जी के बराबर। बेटा इस जगह पे एम वन ए प्लस एम टू ए,
इस जगह पे एम वन जी प्लस माइनस टी प्लस टी, तो बेटा ये माइनस टी प्लस टी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हमने देखा था कि कैंसिल हो रहे हैं, इसीलिए हमने कहा कि एक्सेलरेशन वॉल्यूम करने के लिए दोनों इक्वेशंस को क्या करो, ऐड कर दो। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप में इस जगह पे मैं क्या कर लेता हूँ, ए को कॉमन ले लेता हूँ, दो टर्म्स प्लस हो रही हैं, दोनों में ए एक जैसा है, तो ए को मैं क्या कर लेता हूँ बेटा, कॉमन ले लेता हूँ। ए कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, एम वन प्लस एम टू के बराबर। इस जगह पे क्या हुआ बेटा, इस जगह पे बचा एम वन जी माइनस का एम टू जी। तो बेटा इस जगह पे ये तो खत्म हो गया ना, टी माइनस टी, इस जगह पे क्या एम वन जी है और एक बार एम माइनस का एम टू जी है। तो बेटा इस जगह पे जी मुझे सेम नजर आ रहा है, तो जी को क्या कर लिया जाए, कॉमन ले लिया जाए। तो बेटा अंदर क्या बचेगा, एम वन, इस वाली जगह से अगर जी कॉमन लूंगा तो सिर्फ एम वन बचेगा, इस वाली जगह से अगर जी कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा बेटा, माइनस का एम टू बचेगा। तो बेटा ये आ गया माइनस का एम टू, और बेटा क्या चीज कॉमन ली थी, जी। अब आप जी को इधर लिखें या कॉमन लेकर इधर लिखें, ब्रैकेट से पहले लिखें कॉमन लेकर या बाद में लिखें, बात एक ही है। हमें क्या मालूम करना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू। बेटा एम वन प्लस एम टू यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाने के बाद क्या हो जाएगी बेटे, डिवाइड हो जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट एक्सेलरेशन इट विल बी इक्वल टू एम वन माइनस एम टू इन टू जी डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, किसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटा, उन बॉडीज के एक्सेलरेशन की वैल्यू विच इज अटैच्ड वर्टिकली बाय अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के साथ जो बॉडीज अटैच की हुई है वर्टिकली, वो किस एक्सेलरेशन से मूव करेंगी, इस फार्मूले के जरिए आप उसको निकाल सकते हैं। अब हमें किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है बेटा, एक्सेलरेशन निकाल दिया, अब हमें टेंशन की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए मैं ये चीज़ क्या कर दूँ बेटा, रिमूव कर देता हूँ। टी के लिए फार्मूला डिराइव करना चाहते हैं, ए के लिए हम फार्मूला डिराइव कर चुके हैं। बेटा टी के लिए फार्मूला डिराइव करना है, इक्वेशंस कौन सी हैं, वही हैं इक्वेशन वन और इक्वेशन टू। अब अगर मैंने टी के लिए फार्मूला डिराइव करना है तो ए की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे एम वन ए है, यहाँ पर एम टू ए है, अगर माइनस करूँगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एम वन एम टू कोई ना कोई वैल्यू बच ही जाएगी, माइनस करने पर फर्क नहीं पड़ रहा। तो फिर बेटा ए इस जगह पे देखें, सिर्फ एम वन है मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, इधर एम टू है इस साइड पर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। अगर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो ऊपर भी ए आ जाएगा, नीचे भी ए आ जाएगा, ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बेटा टी निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को डिवाइड कर देता हूं। बेटा डिवाइडिंग टू, टेंशन टी मालूम करने के लिए डिवाइड कर दो इक्वेशन वन को। बेटा इक्वेशंस डिवाइड करने का मतलब है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड डिवाइड होगी। इक्वेशन वन की लेफ्ट साइड क्या है, एम वन ए डिवाइडेड बाय इक्वेशन टू की लेफ्ट साइड एम टू ए इक्वल टू राइट साइड, राइट से डिवाइड होगी, एम वन जी माइनस टी डिवाइडेड बाय इक्वेशन टू की राइट साइड टी माइनस एम टू जी के बराबर हो जाएगी। बेटे ए से ए क्या हो जाएगा, ए से ए विल बी कैंसल्ड आउट, हमारे पास बचेगा क्या, एम वन डिवाइडेड बाई एम टू के बराबर वैल्यू बच जाएगी। बेटा ये टी से टी कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर नंबर माइनस हो रहे हैं, नीचे भी माइनस हो रहे हैं, जब दो नंबर प्लस या माइनस हो रहे हैं ऊपर या नीचे, डिवाइड इस तरह कैंसिल नहीं हो सकता। अब इस जगह पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, नीचे भी दोनों मल्टीप्लाई, कैंसिल हो सकता है, माइनस या प्लस हो कैंसिल नहीं हो सकता। तो फिर हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी होगी। तो बेटा हम क्या करेंगे, M2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेटा इस जगह पे क्या होगा, M1 into T minus M2, M2 जी, T minus M2 जी। बेटा इस जगह पे M1 के साथ ये वैल्यू आकर मल्टीप्लाई में आ गई, M2 जाकर उस वैल्यू के साथ, किसके साथ, M1 जी माइनस टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफिकेशन करनी है, एम वन मल्टीप्लाई बाई टी इट विल बी एम वन टी, बेटा प्लस माइनस इट विल रिमेन माइनस, तो क्या हो जाएगा, एम वन एम टू जी के बराबर। अब एम टू ने मल्टीप्लाई होना है तो बेटा एम टू मल्टीप्लाई एम वन, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एम वन पहले लिख दूँ, एम टू बाद में लिख लूँ, फिर जी लिख लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ताकि ऑर्डर सेम रहे, एम टू एम वन जी हो या एम वन एम टू जी हो, एक ही बात है। एम टू टी दोबारा टी माइनस टी से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस इंटू माइनस इट विल बी माइनस, और क्या हो जाएगा बेटा, एम टू टी के बराबर। हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एम वन से ये वैल्यू आके मल्टीप्लाई हो गई, एम टू जाकर उस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गया, फिर हमने मल्टीप्लीकेशन किया, हमारे पास ये आ गया। मालूम क्या करना चाहते हैं, टेंशन टी मालूम करना चाहते हैं, तो जिस जिस टर्म में टी आ रहा है उसको एक तरफ कर देते हैं, बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ कर देते हैं। तो बेटा
स्टम में टी आ रहा है और स्टम में टी आ रहा है, तो हम क्या करते हैं इसको यहीं रहने देते हैं, एम वन टी अपनी जगह पर है। बेटा ये माइनस का एम टू टी यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस, इस तरफ आने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस का एम टू टी हो जाएगा। बेटा नेक्स्ट स्टेप में इक्वल के बाद, इक्वल के बाद इधर क्या बचा हुआ है, इधर बचा हुआ है एम वन एम टू जी बचा हुआ है, ये तो वहाँ चला गया है माइनस का एम टू टी, इधर आने के बाद प्लस का एम टू टी बचा है, यहाँ क्या था एम वन टी अपनी जगह पे रहा था, ये माइनस का एम वन एम टू जी इधर माइनस का है, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का एम वन एम टू जी के बराबर हो जाएगा। हमें टी चाहिए, इधर और इधर मौजूद है, टी को क्या कर लेते हैं कॉमन, अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में एम वन प्लस एम टू के बराबर इक्वल टू इस जगह पे बेटा एम वन एम टू जी, एम वन एम टू जी, दो टर्म्स बिल्कुल एक जैसी हैं, 100% एक जैसी हैं, तो दोनों के कोएफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे बेटा, वन और वन कितने हो जाएंगे बेटा, टू के बराबर। जब दो वेरिएबल्स बिल्कुल एक जैसे हों तो उनके कोएफिशिएंट्स को जमा कर देते हैं, वन प्लस वन इट विल बी टू एम वन एम टू जी के बराबर, हमें टी चाहिए, एम वन प्लस एम टू वहाँ जाने के बाद क्या हो जाएगा बेटे डिवाइड, तो यहाँ पर मैं लिख लूँ कि बेटा हमारे पास टी बराबर हो जाएगा, उधर क्या लिखा हुआ है पहले से, टू एम वन एम टू जी के बराबर, डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा एम वन प्लस एम टू के बराबर। हम इस तरह ब्रैकेट लगा लेते हैं, इस जी को आप यहाँ लिखें, इस जी को आप इस ब्रैकेट के बाहर लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह हमें बेहतर लगता है, हम इस तरीके से लिख देते हैं। तो बेटा हमने टेंशन के लिए भी फार्मूला डिराइव कर लिया और हमने एक्सेलरेशन के लिए भी फार्मूला डिराइव कर लिया। किसके एक्सेलरेशन और टेंशन का फार्मूला ड्राइव किया है, उन बॉडीज के एक्सेलरेशन और टेंशन का फार्मूला ड्राइव किया है जो अटैच हैं, वर्टिकली अटैच हैं स्ट्रिंग से, जो स्ट्रिंग पुल्ली के ऊपर से पास हो रही है। समझ गए बेटा, इन फार्मूलों को आपने याद रखना है, इस डेरिवेशन की आपने प्रैक्टिस करनी है, एक बार देखकर अपनी लेक्चर कॉपी में लिखें, फिर अपनी लूज शीट पर रफ शीट पर आप प्रैक्टिस करें, दो से तीन बार आप इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप इसको समझ जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसका सेकंड केस को करेंगे, अभी हमने इसका फर्स्ट केस किया है जब दोनों बॉडीज वर्टिकली अटैच्ड हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके सेकंड केस को करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।